करता नहीं, प्रत्येक द्रव्य अपनी परिणति का, अपने परिणाम का, अपने स्वभाव का, प्रत्येक द्रव्य स्वयं करता है, अन्न करता नहीं। तो प्रश्न किया कि ऐसा क्यों, तो आचार्य ने जब उत्तर दिया कि ऐसा इसलिए कि प्रत्येक द्रव्य अपने अपने स्वभाव में रहता है, अन्न में नहीं रहता है। जीव द्रव्य जीव के स्वभाव में रहता है, उसमें प्रणमन करता है। अजीव द्रव्य अजीव के स्वभाव में रहता है, उसमें प्रणमन करता है। प्रत्येक द्रव्य का अपना अपना स्वभाव है, जिसको कहा गया कि चाहे विकारी पर्याय हो चाहे अविकारी पर्याय हो, विकारी अविकारी पर्याय को करने वाला अर्थात अपने परिणाम प्रणमन परिणति कार्य पर्याय कर्म जो जो भी है, सारी की सारी षटकारक प्रक्रिया मुझ में ही घटित होती है। अन्न द्रव्य की अन्न द्रव्य में घटित होती है, मेरी मुझ में घटित होती है, मेरी अन्न द्रव्य में नहीं है, अन्न द्रव्य की मुझ में नहीं है, अर्थात प्रत्येक द्रव्य की स्वतंत्रता है। ये बात बता करके आचार्य हमें क्या समझाना चाहते हैं, आचार्य समझाना चाहते हैं कि जब जीव का प्रणमन जीव की परिणति जीव में है, जीव की विकारी अविकारी पर्याय जीव में है, और मिथ्यात्व को दो प्रकार का बताया, अज्ञान को दो प्रकार का बताया, जीव मिथ्यात्व और अजीव मिथ्यात्व, जीव अज्ञान और अजीव अज्ञान। कि किसे कहा साहब जीव मिथ्यात्व अजीव मिथ्यात्व, कि जो जीव के विकारी परिणाम हैं भाव हैं, तो भाव को तो कहा जीव मिथ्यात्व, और जो द्रव्य है अर्थात जो कर्म आदि बंधे हैं अनुभाग आदि बंधे हैं कहते उनको कहा गया है अजीव मिथ्यात्व कहा गया है। कल उदाहरण दिया था मोर का और दर्पण का, कि जैसे मोर है उसमें अनेक प्रकार के काले पीले नीले हरे रंग हैं, और वे उसमें हैं तो कहते हैं मोर के कलर मोर में हैं, और जब वह मोर निमित्त रूप में दर्पण में दिखाई देता है तो वे कलर मोर के मोर में हैं और दर्पण के दर्पण में हैं, भले ही वह मोर के निमित्त से ही दर्पण में दिखाई क्यों नहीं दे रहा। तो ये जो वस्तु की व्यवस्था है, वस्तु की व्यवस्था बहुत स्पष्ट है। तो क्या होता है कि हम किसी भी व्यवस्था में हों, अवस्था में हों, कार्य में हों, तो हमें कई बार ऐसा लगता है कि नहीं यार ऐसा नहीं, ऐसा हो जाता तो अच्छा रहता, या कोई शरीर में रोग आ गया तो रोग क्यों आ गया, रोग नहीं आना चाहिए था, आ गया है तो जल्दी चला जावे, ज़्यादा समस्या उत्पन्न नहीं करे, ऐसे हमें विकल्प आते हैं। जब हमें ये विकल्प आते हैं या हमें आकुलता होती है तो उस आकुलता को कम करने का या निराकुल होने का या पूर्ण सुखी होने का उपाय क्या, तो कह रहे वस्तु का स्वरूप जानेंगे, जब वस्तु का स्वरूप समझेंगे उसका ज्ञान ध्यान करेंगे तो हमें वास्तव में सही वस्तु की व्यवस्था समझ में आएगी। नहीं तो क्या होता है कि अंदर में परिणति हमारी आकुलित परिणति हुई, आकुल व्याकुलता के परिणाम हुए, और वे आकुल व्याकुलता के परिणाम फिर कंपाउंडिंग होते हैं, फिर हमें उस
आकुलता में, व्याकुलता में, अवसाद में हमें आनंद जैसा आने लगता है, तो हम ये विचार करते हैं कि काश मैं इसको परिवर्तित कर देता, काश ये परिवर्तन हो जाता। तो उसके लिए यहाँ कहा कि भाई प्रत्येक द्रव्य अपनी अपनी योग्यता से ही परिणमन कर रहा है, कोई सी भी घटना हुई हो है? तो केवली भगवान ने पहले नहीं देखी थी, हम कह देंगे साहब ऐसा हमने तो सोचा ही नहीं था। आपने सोचा था नहीं सोचा था उससे कोई मतलब नहीं है कि आपने क्या सोचा था। बात यह है कि वह केवली भगवान ने उस द्रव्य के परिणमन की योग्यता से पहले देखी थी कि नहीं देखी थी, देखी थी तो देखी थी अर्थात उस द्रव्य का परिणमन वैसे ही होना था। तो वो द्रव्य का परिणमन कैसे हुआ, तो कहा कि उस द्रव्य का वह परिणमन एकदम स्वतंत्र हुआ, किसी अन्य के आधार से नहीं हुआ, स्वयं से ही हुआ है, पर से नहीं हुआ है। इसलिए कह रहे हैं कि वस्तु स्थिति में जो वस्तु का स्वभाव है उस स्वभाव को जाने बिना शांति नहीं आएगी, ना तो व्यवहारिक शांति आएगी और ना पारमार्थिक शांति आएगी। तो क्या स्वीकार करना, कि स्वीकार एक ही बात करना कि प्रत्येक द्रव्य का परिणमन उसकी योग्यता से उसके नियत काल में होता है, उस द्रव्य का परिणमन का कर्ता धर्ता कोई ना था ना है और ना कोई होगा। जब हमें ये अंदर में श्रद्धान होता है, ये हमारी दृढ़ प्रतीति होती है, तो फिर जो है हम अंदर में आकुलता जो होती है उस आकुलता को शांत कर सकते हैं वस्तु स्वभाव को समझ करके। तो यही चर्चा प्रस्तुत गाथाओं में चल रही है। तो कल 87-88 गाथा में भी इसी बात की बात आई थी कि भाई वो जो मिथ्यात्व दो प्रकार का हुआ, तो पुद्गल का परिणमन अलग है, अर्थात जो द्रव्य रूप परिणमन है वह पुद्गल का परिणमन है, इसलिए उसे अजीव मिथ्यात्व कहा था, और जो उपयोग रूप परिणमन है वो जीव का परिणमन है, उसे जो है जीव मिथ्यात्व आदि के नाम से जाना था। अब आगे की इसी गाथा में कहा, क्योंकि 87-88 गाथा के अंत में और इसके प्रारंभ में ये प्रश्न उठाया था कि सब मिथ्यात्वादी की बात चल तो रही है, लेकिन ये मिथ्यात्वादी भाव आए कहाँ से और आत्मा के साथ अर्थात मेरे साथ कब से। इस बात पर सारे जगत में चर्चा चलती है, विचार विमर्श होता है, झगड़े तो एग्जैक्टली नहीं कहूँगा क्योंकि बहुत लोग इस पर झगड़ते नहीं हैं, बस अपने मत की बात बताते हैं, क्या संसार कब से है, संसार की व्यवस्था कब से है, ये सब कब से चल रहा है, ये सब कब तक चलेगा। तो सब ने एक अपनी अपनी एक मनगढ़ंत कहानियाँ बना रखी हैं और वे कहानियाँ दोष से सहित हैं। कोई कहता है कि साहब वो किसी ईश्वर ने सृष्टि को बनाया, कोई कहने लगा कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड आया तो उन्होंने कह दिया कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, बनाया तो किसी ने है, लेकिन पहले ये सब जो मनुष्य हैं ये पहले छोटे छोटे सूक्ष्म जीवाश्म थे, फिर इनमें दो पैर आए, फिर इनमें चार पैर आए, फिर ये बड़े हो गए, फिर ये ऐसे हो गए। वो अपनी कहानियाँ से बनाते हैं। वस्तु स्थिति क्या है, वस्तु स्थिति ये है कि जीव अनादि से है, और अनादि का एक ही अर्थ होता है कि जिसका प्रारंभ नहीं हो। तो फिर यहाँ प्रश्न खड़े करते हैं कि साहब कहीं तो प्रारंभ होगा, कहीं से तो प्रारंभ हुआ होगा ना। तो समस्या वही आती है कि यदि कहीं से प्रारंभ हुआ है तो उसके पहले क्या था। चलो मान लेते हैं कि आज से एक कोड़ा कोड़ी वर्ष पहले प्रारंभ हुआ, वैज्ञानिकों की और अलग भाषा मान लो 10,00,000,00,000 वर्ष ऐसे गिनाते रहते हैं, उसके पहले क्या था, कुछ तो होगा ना। वो जैसे सांप का भ्रम हुआ, तो सांप का भ्रम हुआ तो कुछ तो दिखा होगा ना, कि रस्सी दिखी होगी या छोटा सा कोई कपड़ा दिखा होगा लटका हुआ है, पड़ा हुआ, तो उस कपड़े में सांप का भ्रम हुआ या रस्सी में सांप का भ्रम हुआ। अब ऐसे ही तो सांप का भ्रम नहीं होता कि आपने देखा हो सांप का भ्रम हो गया, कुछ तो था ना तब तो भ्रम हुआ ना। तो ऐसे ही कहा कि साहब जब किसी ने बनाया ये तो उसके पहले कुछ तो था कि नहीं था, कुछ कि क्या था कि साहब हाँ हाँ कुछ तो था, तो वो किसने बनाया था, और अगर वो किसी ने बनाया है तो उसके पहले क्या था, उसको किसने बनाया है। तो कहते हैं कि साहब उस ईश्वर को उस ईश्वर ने बनाया, उसको उसने बनाया, उसको उसने बनाया, तो कहाँ तक पहुँचोगे। तो कहते वो अनादि से, तो कह रहे भाई साहब यही तो बता रहे हैं, लोक स्वयं सिद्ध है अनादि से, ये क्यों स्वीकार नहीं होता है अज्ञान के कारण से, क्योंकि जीव ने मिथ्यात्व के प्रभाव से, मोह के प्रभाव से ऐसा मान रखा है
कि जगत का कोई ना कोई तो कर्ता धर्ता है, होना चाहिए। हम भी वास्तव में स्वतंत्रता की ना कल्पना करते हैं ना अनुभव करना चाहते हैं, जबकि प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है। स्वतंत्रता मतलब लड़ना झगड़ना नहीं, स्वतंत्रता मतलब हम अपनी बागडोर किसी ना किसी ईश्वर के हाथ में सौंपना चाहते हैं कि वे भगवान हैं, उनको नहीं सौंपते हैं। हम कर्मों के हाथ में सौंप देना चाहते हैं कि कर्म ही भगवान है, कर्म जैसा प्रणमन कराएंगे वैसा प्रणमन हो जाएगा। और यहाँ कह रहे नहीं, प्रत्येक द्रव्य अपने प्रणमन का स्वयं का करता है। फिर आप कहोगे साहब ये बात सारी दुनिया को समझ में आती क्यों नहीं, नहीं आती है सबको, क्यों नहीं आती है? क्योंकि सुनते नहीं है। वे यही सुनते हैं कि इस जगत का कर्ता कोई ईश्वर है तो उसको मानते हैं। वो जगत का कर्ता कोई ईश्वर नहीं है, जो सुनते हैं वे मान लेते हैं, और कई सुनते हैं तो भी नहीं मानते हैं। लेकिन किसी के मानने नहीं मानने से वस्तु के स्वरूप में कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं। वस्तु का स्वरूप कैसा रहेगा कि जीव अनादिकाल से है और संसार में है तो मिथ्यात्व सहित है। हमें अगर अनादि अनंत का सद्दान हो गया तो समझ लो कि आपने 99% आपने सफर पार कर लिया भेद विज्ञान का। क्यों सब अनादि अनंत का? क्यों अनादि अनंत बताने वाले कौन? आपको अनुभव तो है नहीं उसका, अनादि अनंत बताने वाला कौन? केवली भगवान। वो केवली भगवान प्रत्यक्ष में है नहीं, तो केवली भगवान की वाणी को गणधर देव ने सुना, झेला, आगे आचार्य परंपरा से आगे बढ़ा, वो हमें शास्त्रों में लिखा हुआ मिला। तो वो संसार अनादि अनंत है तो फाइनली हमें केवली पे सिद्धांत हुआ, केवली की वाणी पे सिद्धांत हुआ, आचार्य पे सिद्धांत हुआ, तो देव शास्त्र गुरु का सिद्धांत हो गया ना। और जब केवली की वाणी पर सिद्धांत हुआ तो ये भी सिद्धांत हुआ कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। उद्गल का परिणाम अलग है, अजी मिथ्यात्व अलग है, जी मिथ्यात्व अलग है, ये सिद्धांत हुआ। तो सर्वांगीण सिद्धांत हुआ मतलब भेद विज्ञान हो गया। बोलो एक शब्द में इतनी सामर्थ्य है? क्योंकि आप अनादि अनंत की आप परीक्षा नहीं कर सकते हो, आप तर्क लगा सकते हो, आप विचार कर सकते हो, आगम के आधार से जान सकते हो, लेकिन मैं पहले अनादिकाल पहले होके आऊं, अनंतकाल होके आऊं, फिर मानूंगा कि है कि नहीं, तो यह सब संभव नहीं। वो तो केवली के केवल ज्ञान में मात्र दिखाई देते हैं, वो ऐसा गुलाब जामुन के खाने जैसा प्रत्यक्ष का अनुभव नहीं है। तो केवली की वाणी से प्रमाण माना। तो सारा समय सार कहें, सारा जनागम कहें, इसी आधार पर है, केवली की वाणी के प्रमाणिकता के आधार पर। और जहां जहां हम तर्क लगा सकते हैं, जैसे कर्ता कर्म संबंधी हम तर्क लगा सकते हैं, अपन ने पहले भी उदाहरण से समझा है कि भाई सर में बाल सफ़ेद हो गए, क्यों हो गए? तो ऐसे तो वैज्ञानिक कारण तीन कारण आते हैं। एक कारण आता है कि आपकी आयु हो गई, आयु से होते हैं। दूसरा कारण आता है कि आप ज़्यादा धूप में घूमे हो, और तीसरा कारण आता है कि आपने चिंता ज़्यादा की। ये तीन कारणों से होते हैं बाल सफ़ेद। चौथा कारण नहीं हो सकता है, क्या है कि उसके परिणमन की योग्यता ऐसी थी। अब आप निमित्त किसी को भी मान लो कि नहीं साहब उनको तो काम काज के उसमें जो है बहुत घूमना पड़ता था, बहुत उनके सर पे धूप लगी, तो धूप लग के वो काले बाल का काला कलर हो गया और सफ़ेद बचा। आप ये निमित्त मान सकते हो कि सब वो सोचते बहुत हैं, आप निमित्त मान सकते हो कि उनकी आयु हो गई है, आयु में तो सबके जो है 40-42 के पार होंगे, तो धीरे धीरे करते उनके बाल सफ़ेद हो जाएंगे। लेकिन वस्तु स्थिति में तो उस पुद्गल की योग्यता है ना। आप निमित्त किसी को भी मानो, उसकी पर्टिकुलर योग्यता है उसकी। मुझे कई लोग ऐसे भी मिले 50 साल के और एक बाल सफ़ेद नहीं है, बिल्कुल काले बाल रखे 18-20 साल जैसे। हमने उनसे पूछा क्यों, तो पता क्या बोले, यही आश्चर्य मुझे भी होता है। अजी जी क्या बोले बाबू जी? मैंने कहा ये काले बाल कैसे हैं, क्या लगाते हो? कुछ नहीं सर, हम तो रेगुलर भुई तेल लगाते हैं जो आप लगाते हो, कभी सरसों का लगा लेते हैं, कभी खोपरे का लगा लेते हैं, कभी आंवले का। फिर मैंने कहा बाल काले कैसे ऐसे, मुझे नहीं पता। मैं भी सोचता हूँ कि मेरे जो संगी साथी हैं उन सब के सफ़ेद हो गए 80%, मेरे काले के काले बने हैं। मतलब उसे नहीं पता, मतलब वो तुम नहीं हो, वो तुम्हारा प्रणमन नहीं है, वो प्रणमन देह का है, वो प्रणमन उस जाति के पुद्गल कर्मों का है, तो होगी नहीं स्वतंत्रता। तो कह रहे जीव कब से है, कह रहे अनादि से है, मिथ्यात्व कब से है, अनादि से है। इसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए 89 नंबर की गाथा का जन्म हुआ है, जिसमें कहते हैं आपके सामने पेज नंबर होगा 169। हम गाथा पढ़ते हैं। ओगस अनाई परिणामा तिन्नी मोह जो तस
शतम अर्णानम अविरधि भावो यणादव मोहयुत उपयोग के परिणाम तीन अनादि से जानो ने मिथ्यात अविर भाव अर अज्ञान। देखो जीव दो प्रकार के होते हैं, एक संसारी और एक मुक्त। मुक्त जीव किसे कहते हैं कि मुक्त जीवों में दो भेद हुए, अरिहंत और सिद्ध। जिनने चार घाती कर्मों का नाश कर दिया है वे अरिहंत कहलाते हैं जो सशरीर है, और जिनने आठ प्रकार के घाती अघाती कर्मों का नाश कर दिया है वे सिद्ध भगवान कहलाते हैं। जो वर्तमान में अरिहंत हैं ये जिन्होंने चार घातीय कर्मों का नाश किया है, ऐसे अरिहंत भगवान आठ कर्मों का नाश करके आगामी काल में सिद्ध भगवान हो जाते हैं। केवल ज्ञान दोनों का समान है। जैसे अरिहंत भगवान अपने केवल ज्ञान में तीन लोक तीन कालवर्ती समस्त द्रव्य गुण और पर्यायों को एक समय में जानते हैं, उसी प्रकार से सिद्ध भगवान भी एक समय में तीन लोक तीन काल संबंधी समस्त द्रव्य गुण पर्यायों को एक समय में जानते हैं। तो उनमें उनके आनंद में उनके केवल ज्ञान में कोई भी अंतर नहीं है। बस केवल एक अंतर इतना पड़ता है कि एक के चार घाती कर्मों का नाश हो गया है और केवल ज्ञान प्रकट हो गया है, और एक के घाती अघाती कर्मों का शरीर का भी उनका नाश हो गया है, वो सिद्ध शिला पर विराजमान हो गए। उन केवली ने बताया है, क्या बताया उन केवली ने कि जीव अनादिकाल से मिथ्यात्व वाला है। सिद्ध भगवान ने नहीं बताया, किसने बताया? अरिहंत भगवान ने बताया कि जीव अनादि से मिथ्यात्व वाला है। तो कोई ये कहेगा साहब अपने आप को तो उनने केवल ज्ञान वाला बोल दिया। अरे बोल क्या दिया है ना, मैं तो और बाकी सबका कहते हैं कि साहब अनादिकाली अनादिकाल से मिथ्यात्व। फिर वही प्रश्न उठता है, अच्छा चलो बताओ अनादिकाल से नहीं मानोगे तो मिथ्यात्व कब से है, अज्ञान कब से है, असंयम कब से है? कि होगा साहब दो चार भाव से, उसके पहले अपना था। स्वर्ग में जाना मुक्ति का सूचक नहीं है, स्वर्ग में रहना भी संसार के सूचक है। देखो दो बातें हैं, हम संसार में हैं, हम जगत में हैं, तो इस उपस्थिति का कारण मेरे मिथ्यात्व भाव, मेरा मोह, मेरा असंयम का परिणाम मेरा अज्ञान है, अन्य उसमें कारण नहीं है। अन्य कोई कारण नहीं है, ना कर्म के परमाणु हैं, ना कोई अन्य को उपदेश देने वाला है। संसार में रहने का पूर्ण कारण रूप में मैं ही हूँ, मेरा अज्ञान असंयम मिथ्यात्व भाव है। अब वो कब से है? कह रहे वो अनादि से है। तो जैसे जगत की सत्ता अनादि है, जगत में छहों द्रव्य अनादि हैं, और अनादि का अर्थ होता है कि किसी के द्वारा बनाए हुए नहीं। तो कहा क्या? कहा कि मोहयुत उपयोग के मिथ्यात् अज्ञान और अविरत भाव, ये तीन परिणाम अनादि से ही हैं। जिसके उपयोग में मोह है वह मोह वाले जीव के मिथ्यात् उल्टी मान्यता अज्ञान विपरीत श्रद्धान और अचरित्र का भाव अविरत भाव ये कब से हैं? अनादि से हैं। और किसके हैं? जो मोह से युक्त हैं उसके हैं, जो मोह से लहित हो गया है उसके नहीं है। जो मोह से युक्त है, मोह से युक्त है उस जीव के हैं। आगे का था हम और कहेंगे सब मिथ्यात्वादी का कर्ता उनका कौन है। अब हम प्रश्न यहाँ उठाते हैं कि जो मोह है ना अनादि का, तो वो मोह क्यों है? मोह है अर्थात परद्रव्य से अपनेपन का परिणाम, परद्रव्य से सुखपने का परिणाम, वही मोह भाव है। तो मोह भाव क्यों है? अच्छा एक बात बताओ, अंजन चोर अच्छे के बेकार हैं? चोर लिखा ना चोर, ये सब चोर लिखा है तो चोर अच्छा कैसे हो सकता है? अच्छा चोरी करने आए थे तो क्या हुआ था? उपदेश सुन लिया। उपदेश किसका सुन लिया? भेद विज्ञान का सुन लिया। और जिसके मुख से उपदेश सुना
उससे पहले जाकर दीक्षा ले, तो फिर चोर कहाँ रहे। मतलब किसी भी जीव को जो जीव समझना चाहे वो जीव स्वयं की योग्यता से समझ सकता है ना। निमित्त कुछ भी बनाओ, हम निमित्त किसी को भी बना सकते हैं। ये प्रतिमा जी जिनेन्द्र देव की प्रतिमा किसी के क्रोध का भी निमित्त बन सकती है और किसी के वैराग्य का निमित्त भी बन सकती है। जिसको द्वेष भाव है वो जिन प्रतिमा को देख करके क्रोध करेगा, किसी के विकार का निमित्त बन सकती है वो विकार करेगा, और हमारे लिए वो जो है उसका आकार जो है वो हमारे लिए ध्यान का ध्येय है तो हमें वैसे बनने की प्रेरणा देती है। तो निमित्त तो आपके जैसे परिणाम होंगे वैसा उस पर निमित्त पने का आरोप आएगा। आगम का प्रसिद्ध उदाहरण है कि सब एक बेसिया का मृत शरीर पड़ा है, अब अलग अलग व्यक्ति निकलते हैं और अलग अलग लोगों के अलग अलग भाव होते हैं। कामी जीव है वो उसे देख करके सोचता है कि अगर ये जीवित होती तो मैं तो इतनी सुंदर है कि मैं तो इससे विवाह ही कर लेता, वो ऐसा सोचता है। मुनिराज वहाँ से निकलते हैं तो मुनिराज विचार करते हैं उस देह को देख करके, देखो जगत कैसा क्षणभंगुर है, कुछ समय पहले ये जीवित थी अब इसका मरण हो गया, तो और वो अपने अंतर में लीन हो जाते हैं। चोर विचार करता है कि इसके आसपास बहुत सारे लोग खड़े हैं, अगर ये लोग नहीं होते तो मैं गहने चुरा लेता। अब एक को गहने चुराने का निमित्त बन ली, एक को वैराग्य का निमित्त बन ली, एक को भोग का निमित्त बन ली। वास्तव में जिसके जैसे विचार हो रहे हैं, अपनेपन का परिणाम हो रहा है, जिसका जैसा मोह हो रहा है, जिसका जैसा उपयोग लग रहा है, उसको वैसा निमित्त बन ली। वास्तव में वो निमित्त कहाँ है, वास्तव में तो वो देह देह है, पर जो जीव जैसे चार पांच लोग दो चार लोग जैसे जैसे विचार कर रहे हैं वैसा वैसा हो रहा है। अरे बहुत दूर क्यों जाते हो, अभी जैसे चुनाव हुए, अब चुनाव में जो भी परिणाम आया अजीत जी, तो हर व्यक्ति को एक सा कारण नहीं है, हर व्यक्ति उसमें अपने अपने साता साता के अलग अलग कारण ढूंढ रहे हैं। कोई कहता है भैया अब क्या होगा देश का, अब तो असुरक्षित हो गए हैं, अब अगर ये आ गए तो, कोई ये कहता है, कोई कहता है अच्छा है थोड़ा सबक मिलना चाहिए हैं, कोई कहता नहीं साहब थोड़ा जैनियों के लिए अच्छा हो गया अभी, कोई कहता नहीं साहब हो तो गया है लेकिन कम से कम 278 तो आ जाती। अब एक ही क्रिया पे सैकड़ों प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और सबके अपने अपने निमित्त बन रहे हैं, सबके वो निमित्त क्यों बन रहे, कार्य तो एक ही हुआ। क्योंकि जब जीव जैसा मोहयुत हो रहा है, मोहयुत होकर के जो जीव जैसा उपयोग लगा रहा है उसके अनुकूल उसे साता असाता का वेदन हो रहा है। तो यहां कहा कि जीव मोहयुत होकर के उपयोग में जीव के मोह है और वह उपयोग जीव के उपयोग वाला वह जीव मिथ्यात्व अज्ञान और अवृत्ति ये परिणाम उसके अनादि से जानने चाहिए, नए उत्पन्न नहीं हुए। इससे एक बात और इसमें निकलती है कि हम आज से पहले मुक्ति को प्राप्त नहीं हुए। कोई कहते ना कि साहब नहीं वो तो मुक्त हो गए, वो तो ब्रह्मा में जाके मिल गए, इसमें जाके मिल गए, तो कह रहे नहीं अनादि से ही, अनादि से मतलब आज से अनंत वर्ष पहले, वो जो अनंत वर्ष पहले थे तब भी कहते थे कि अनंत वर्ष पहले, तब से मिथ्यात्व मोह अज्ञान से सहित हैं। टोडोमल जी साहब ने दूसरे अध्याय में लिखा ना अधिकार है कि जीव के अनादिपने की सिद्धि, तो कहा कि भाई ऐसा नहीं है कि जीव पहले कर्मों से निर्बंध था फिर बंधा हो गया, वे कर्म जीव का स्वभाव नहीं है लेकिन उसके बाद भी जीव अनादि से उनसे बंधा हुआ है, अनादिकाल से है। तो कह रहे जीव अनादि से ही जानना चाहिए। फिर आगे कह रहे कि उक्त गाथा का भाव आत्मख्याति में इस प्रकार दिया है, गाथा का भाव दिया है, यद्यपि निश्चय से निज रस से ही समस्त वस्तुओं में अपने स्वभावभूत स्वरूप परिणमन की सामर्थ्य होती है, तथापि इस आत्मा के उपयोग का अनादि से ही अन्य वस्तु मोह के साथ संयुक्त पना होने से मिथ्या दर्शन अज्ञान और अविरति के भेद से तीन प्रकार का परिणाम विकार है। देखो पहले तो ये कहा, इसमें उदाहरण देंगे, स्फटिक मणि को उदाहरण दे रहे हैं अभी, कि जीव स्वभावता तो शुद्ध ही है, स्वभाव रूप से तो जीव निर्मल है, उस निर्मलता का कोई नाश नहीं कर सकता है क्योंकि उस निर्मलता को किसी ने बनाया नहीं। तो स्वभावता तो कैसा है कि निज रस से समस्त वस्तुओं में अपने स्वभाव भू स्वरूप परिणमन की सामर्थ्य होती है, निश्चय से,
अपने स्वरूप रूप प्रणमन सामर्थ्य होती है निश्चय से, लेकिन कहा तथापि रुको, क्या कि इस आत्मा के उपयोग का अनादि से ही अन्य वस्तु भूत मोह के साथ संयुक्त पना होने से, अनादि से अन्य वस्तु के साथ अपनापन है। अच्छा देखो, ऐसा समझो कि एक अस्पताल में एक ही समय में दो बच्चों का जन्म हुआ। अब वो नर्स की मिस्टेक थी या जो भी हो, वो दोनों बच्चे आपस में बदले गए, मतलब ये इसका इसकी तरफ चला गया, इसका इसकी तरफ चला गया, दोनों बदले गए, नर्स के कारण से होगा इसमें। अब जब तक नर्स को ख्याल में आया तब तक बच्चे जा चुके थे, पुराना जमाना था तो ऐसा बहुत डेटा उपलब्ध था नहीं कि सब उनको फोन नंबर लिखाया हो, कि ये लिखाया हो, चले गए। 20 साल बाद वो नर्स को दोनों कहीं मिल गए एक साथ या अलग अलग, तो उसने कहा कि सुनो, जो तुम्हारे पास बेटा है ना वो तुम्हारा नहीं है, वो इसका है। इससे कहा कि जो तुम्हारे पास बेटा है वो तुम्हारा नहीं है, वो इसका है। 20 साल से क्या मान रहे थे, किसका बेटा है, मेरा बेटा है। तो द्रव्य से क्या हुआ, अपनापन हुआ ना। अब जैसे ये सुना दोनों ने, तो दोनों को उपयोग बदल गया, पुत्र का भी उपयोग बदल गया, माता पिता का भी उपयोग बदल गया, कि नहीं 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 ये हमारा बेटा नहीं, ये हमारा बेटा है, ये नहीं ये है। अब वो एक्सचेंज कर लेते हैं, जो एक दिन का आया 20 साल से जिसे देखा नहीं उसमें अपनापन हो गया, और जो 20 वर्ष से था उससे अपनापन टूट गया। मतलब जीव जब स्वयं मोहयुक्त होना चाहे तब ही मोहयुक्त होता है। अब उसको फिर ट्विस्ट सुनो कि 2-4-10 दिन हुए ही थे और उसने ये बात डॉक्टर साहब को बताई थी कि डॉक्टर साहब उस दिन ऐसी ऐसी पर्ची बदल गई थी, टैग बदल गया था। तो डॉक्टर साहब बोले, नर्स तुमसे जो टैग बदल गया था ना वो मैंने सही कर दिया था। नहीं समझे, नर्स फिर पहुंची कि सुनो साहब, डॉक्टर साहब को लेके कि मुझसे गलती हुई थी और मेरी गलती को डॉक्टर साहब ने सही कर दिया था, तो जो बेटा जिसका था वो उसका ही है। वो फिर अपनापन हो गया उसको, कैसे हुआ, जब मैं स्वयं उसमें अपनापन करना चाहूं ना, वो अपनापन तब होता है। हम ये निमित्त कहते हैं कि साहब ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा मित्र है, ये मेरा भाई है, पर जब हम अपनापन करना चाहें तब होता है। तो ऐसे कहा, अनादिकाल से जीव मोह से युक्त उपयोग वाला होने के कारण से मिथ्यात्व अज्ञान और अविरति वाला है अनादिकाल से, लेकिन निश्चय से तो स्वभाव भूत उसमें कुछ है नहीं। देखो इस पर गुणी को दान क्या दे रहे, उपयोग का वह परिणाम विकार स्फटिक की स्वच्छता के परिणाम विकार की भांति पर के कारण पर की उपाधि से उत्पन्न होता दिखाई देता है। जिस प्रकार यद्यपि स्फटिक मणि अपने स्वरूप पर नमन में समर्थ है, तथापि कदाचित काले रंग के तमाल पत्र, एक काला रंग का फूल होता है, तमाल पुष्प बोलते हैं उसको, काला रंग का फूल देखा ही होगा आपने, काला फूल है समझ लो आप, फिर हरे रंग के केले के पत्ते और पीले रंग के स्वर्ण पात्र के आधार का संयोग होने से स्फटिक की स्वच्छता का काला हरा और पीला ऐसे तीन प्रकार का परिणाम विकार दिखाई देता है। क्या उदाहरण दिए स्फटिक मणि का, क्या कह रहे हैं कि उपयोग में जो परिणाम विकार हुआ ना वो स्फटिक की स्वच्छता के परिणाम विकार की भांति कारण उत्पन्न होता हुआ दिखाई देता है। देखो स्फटिक मणि है, जैसी प्रतिमाएं होती ना, स्फटिक मणि की प्रतिमाएं होती है, तो इसका क्या स्वभाव है कि स्फटिक मतलब एकदम कांच जैसा, एकदम पानी जैसा ट्रांसपेरेंट है, आर पार दिखाई देने वाला है, इसका ये स्वभाव होता है। और अगर उस पर कहीं भी आप दाह लगा दो, मतलब अगर आप काला पुष्प रख दो तो चारों तरफ वो काला काला से दिखाई देने लगेगा, पीला पुष्प रख दो तो पीला दिखाई देने लगेगा, केले का पत्ता हरा रख दो तो हरा दिखाई देने लगेगा, तो जैसा उसके ऊपर आवरण आवे, जो टिपकी लगाई जाए वैसा उसका दिखने लगता है। तो क्या कह रहे कि स्फटिक मणि स्वभावता तो शुद्ध है, लेकिन उसकी पर्यायगत योग्यता ऐसी भी है, कैसी,
कि अगर कोई उसके ऊपर उस प्रकार का काला नीला पीला दाग लगाएगा तो वो उस रूप दिखाई देने लगेगी। फिर कह रहे दिखाई तो देने लगेगी लेकिन वह कलर उस स्फटिक मणि का स्वभाव नहीं बनेगा। क्यों? स्वभाव बन जावे तो फिर तो वो एक ही कलर की हो जाएगी। काला कलर का स्वभाव बन जावे तो काले की हो जाएगी, नीला बन जावे तो नीले की हो जाएगी। कह रहे ऐसा नहीं होता है। तो फिर कैसा होता है कि वह स्फटिक अपने आप में परिपूर्ण शुद्ध है। उसे कहा निश्चय नय से जीव निज रस से परिपूर्ण शुद्ध है, उसमें कोई दोष नहीं आया। लेकिन उस जीव की ही ऐसी योग्यता है कि जब वो मोहमय उपयोग करता है तो उस मोहमय उपयोग के परिणाम स्वरूप मिथ्यात्व, अज्ञान और अविरति आ जाते हैं और वह जीव मोहयुक्त होने के कारण से अज्ञानी, मिथ्यात्वी और असंयमी दिखाई देने लगता है, होता है। कब से है? कह रहे अनादि से है। कैसा है? दो रूप में है कि अनादि से वह इस स्फटिक मणि के समान निश्चय नय से अवध है, लेकिन उसके अनादिकाल से मोहयुक्त भाव होने के कारण से, उपयोग होने के कारण से मिथ्यात्व, अज्ञान और असंयम है और इस कारण से वो संसार में है। उसी प्रकार आत्मा के अनादि से मिथ्या दर्शन, अज्ञान और अविरति जिसका स्वभाव है, ऐसे अन्य वस्तुभूत मोह का संयोग होने से आत्मा के उपयोग का मिथ्या दर्शन, अज्ञान और अविरति, ऐसे तीन प्रकार का परिणाम विकार समझना चाहिए। कह रहे हैं कि जैसे स्फटिक मणि तो शुद्ध है लेकिन आपने उसके ऊपर जो डाह लगा दी, मतलब दाग लगा दिया आपने, तो कह रहे वो स्फटिक मणि का नहीं है। वो किसका है? कह रहे वो स्फटिक मणि के ऊपर विकार है। क्यों? स्फटिक मणि का स्वभाव क्या है? स्फटिक मणि का स्वभाव तो है स्वच्छता, निर्मलता, लेकिन क्या कहा कि उसमें ही ऐसी योग्यता है कि उसके ऊपर यदि आपने जो कलर लगाया है तो उसमें दिखाई देता है, उसमें होता नहीं। दिखाई देने में और होने में अंतर समझ रहे? दूध और पानी मिले हुए दिखाई दे सकते हैं, देते हैं, लेकिन दूध और पानी एक नहीं है। दूध और पानी कैसे हैं? दूध और पानी अलग अलग है। ऐसे ही अनादिकाल से जीव के उपयोग में मोह भाव है, परद्रव्य से अपनेपन का परिणाम है, परद्रव्य से सुख की बुद्धि है, कर्तृत्व की बुद्धि है, भोक्तृत्व की बुद्धि है, एकत्व की बुद्धि है, ममत्व की बुद्धि है, और उनके परिणाम स्वरूप अनादिकाल से हमारे साथ ये मिथ्यात्व, अज्ञान और असंयम हैं। ये संसार का कारण है, ये बंध का कारण है, ये दुख का कारण है। कि इससे क्या बताना चाहते हैं कि आपको दो प्रकार से निश्चिंत करना चाहते हैं, एक जानकारी के रूप में और एक स्वभाव के रूप में। स्वभाव से तो ये निश्चिंत किया कि तुम भले ही अनादिकाल से इन कर्मों से बंधे हो, मिथ्यात्व, अज्ञान, असंयम के साथ में हो, लेकिन फिर भी ये तुम्हारा स्वभाव नहीं बने। ये तो आपकी निश्चिंतता की और जानकारी आपको ये देना चाहते हैं कि ये जो अज्ञान, मिथ्यात्व और अविरति है ना, ये क्यों है? कह रहे तुमने उपयोग में मोह के परिणाम किए, परद्रव्य में अपनापन किया, परद्रव्य में सुख की कल्पना की, परद्रव्य को कर्ता कर्मपना माना, इस कारण से, उस मोह के कारण से ये हैं कौन कौन? मिथ्यात्व, अज्ञान और असंयम। मिथ्यात्व, अज्ञान, असंयम के कारण से बंध है, वह बंध है तो संसार है, संसार है तो दुख है। कितना क्लियर है? बोलाओ। इसमें क्या सिद्ध कर रहे हैं? वो ये सिद्ध कर रहे हैं कि जीव मोह से युक्त कब से है। हम कब से हैं मोह से युक्त? जो हम ये वर्तमान की पर्याय देखते हैं ना, हम वर्तमान की पर्यायों से इतने प्रभावित हो जाते हैं कि हमें ऐसा लगने लगता है कि बस हमारी यहीं से उत्पत्ति है और यहीं मैं समाप्त हो जाऊंगा, जबकि ऐसा नहीं है। अनादिकाल से मैं हूँ। हम वर्तमान की कोई
देश की परिस्थिति हुई, राजनीतिक परिस्थिति हुई, पारिवारिक हुई, सामाजिक हुई, मानसिक हुई, और भी किसी प्रकार की हो, तो हमें ऐसा लगता है, हम उसमें ऐसे मोहयुक्त होते हैं कि ऐसा लगता है कि बस यही है हमारा जीवन, तो बस हम यहाँ से कभी हमारा मरण नहीं होगा। जबकि हम प्रत्यक्ष सामने देख रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों को देख रहे हैं जो आज एकदम स्वस्थ बैठे थे और कल खबर आती है कि वो नहीं रहे। अब आप कारण कुछ भी ढूंढ लो, कॉमन कारण है बाबू जी, क्या कॉमन कारण है? साइलेंट अटैक आया था। अब ढूंढ लो उसको, साइलेंट क्या था? साइलेंट चुपचाप आया था, चला गया। पर वस्तु स्थिति तो ये थी ना कि उसकी आयु पूरी हो गई। तो जैसे जब कोई किसी की कहानी बताता है कि साहब उनका ऐसा ऐसा हुआ, तो मैं उनसे एक बात कहता हूँ हंस करके, आगम की बात कहता हूँ कि साहब हम कहानी की इसकी बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आगे पीछे किसी ना किसी के कहानी के पात्र तो हम भी हैं ना। कुछ कहानी तो नियम से हमारी भी बनेगी ना। कोई भी कहानी बने, साइलेंट अटैक की बने, एक्सीडेंट की बने, ऐसे ही बने कि दर्शन करते करते चले गए, पर एक कहानी में, उस कहानी में एक पात्र तो मैं भी होऊंगा ना। कि कब होऊंगा? नहीं सही 20 साल बाद, 40 साल बाद सही, 60 साल बाद सही। कहानी में आप बच नहीं सकते हो, आप उसके पात्र बनोगे बनोगे। तो बोले साहब क्या कहना चाहते हो? तो ये कह रहे हैं कि कहानियों में ज़्यादा उलझो मत। जो मैं त्रिकाली हूँ ना, जो मैं शुद्ध स्वभावी हूँ ना, उस पर कह रहे हैं लक्ष्य करो। कैसे लक्ष्य करें? कि पहले ये निर्णय करो कि तुम अनादि से मिथ्यात्व अज्ञान सहित हो। कि सब ये तो विपरीतपना नहीं दिख रहा है कि एक जगह आचार्य बोलते हैं कि तू अनादि से शुद्ध है, बुद्ध है, चैतन्य है, ये कर्मों ने तुझे बांधा ही नहीं, और 89 नंबर की गाथा में कह रहे हैं कि सब तुम तो अनादि से मिथ्यात्व ज्ञान सहित हो। तो ये भी तो कहा था, और इसमें भी कह रहे ना कि निश्चय से तो तू शुद्ध है अनादि से, उस शुद्धता में कोई बंध नहीं हुआ, लेकिन उपयोग में मोह भाव किया, इस कारण से तुझे मिथ्यात्व ज्ञान और संयम है। देखो जब तक हम आगम के बातों को समझने की अपेक्षा नहीं समझेंगे, तब तक हम आगम की भाषा को समझ ही नहीं सकते। देखो जैसे दो दोस्त हैं, एकदम पक्के दोस्त हैं, अरे ये तेरे ही तो मकान है यार, ये सब तेरे ही तो है, कभी भी आ जाया कर, सब तेरे। अब वो घूमने का साहब जयंती, अब घूमने में ये तय हुआ कि जिसको जो जहाँ पैसा खर्च करना हो कर दे, अब वो कर दिया। अब फिर आगे उन्होंने हिसाब किया कि ये इतने तुझे देने हैं, इतने मुझे लेने, हिसाब हो गया। तो मैंने कहा भाई साहब आप तो बोल रहे थे हम दोनों एक ही हैं। हाँ एक है ना, किसने कहा अलग अलग है? मेरी हिसाब क्यों हो रहा है? अब ये तो हिसाब है कॉमन, ऐसा हम बारीकी से हिसाब नहीं कर रहे हैं, मोटा मोटा देख लिया